क्लास फोर एनसीईआरटी बुक मैरीगोल्ड यूनिट टू पोयम नोजेस। हेलो एवरीवन, सो इस पोयम को शुरू करने से पहले हम इसके न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। सबसे पहला है मिरर, मिरर यानी आईना या फिर शीशा। फनीएस्ट, मजेदार। ब्रीदिंग, सांस लेना। स्टक, अटक गया या अटक जाना। स्टिकिंग, स्टिकिंग माने चिपका। गिगल, खिसियाना। स्पेयर, अतिरिक्त। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द पोयम। आई लुक्ड इन द मिरर एंड लुक्ड एट माई नोज। एक छोटी बच्ची है जो शीशे में खुद को देखती है और अपनी खुद को देख करके अपनी नोज को कहती है कि मैंने अपनी नाक को देखा। इज द फनीएस्ट थिंग, ये सबसे मजेदार चीज है। द वे इट ग्रोज स्टक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट। इसके बाद वो कहती है कि मेरी जो नाक है ना, वो बड़ी अजीब तरीके से बढ़ रही है और मेरे चेहरे से चिपक गई है। शोज विद टू लिटिल होल्स वेयर द ब्रीदिंग गोज। इसके बाद वो कहती है कि इसमें, इस नाक में, इस नोज में छोटे छोटे दो होल्स हैं, दो छेद हैं, जिसके जरिए से हवा अंदर और बाहर आती जाती है। यानी हम क्या लेते हैं नोज से? ब्रीद करते हैं, सांस लेते हैं। आई लुक्ड इन द मिरर एंड सॉ इन देयर द एंड ऑफ माई चिन एंड द स्टार्ट ऑफ माई हेयर। अब जो छोटी बच्ची है वो मिरर में, शीशे में खुद को देखती है और क्या देखती है कि मेरे जो चिन का एंड है, जो मेरी थोड़ी है, ठीक है, एंड में, और मेरे जहां से बाल शुरू हो रहे हैं, जहां से मेरे बालों की शुरुआत हो रही है, उनके बीच में, एंड बिटवीन देयर इज एन मच स्पेस टू स्पेयर। उनके बीच में, ठीक है, जहां से बाल शुरू हो रहे हैं और जहां पे थोड़ी का एंड हो रहा है, उसके बीच में कोई इतना स्पेस ही नहीं बचा है, कोई इतनी जगह ही नहीं बची है, क्योंकि वहां पर विद माई नोज लाइक अ हैंडल स्टिकिंग देयर, मेरी जो नोज है वो एक हैंडल की तरह चिपक गई है। अब वहां पे कोई जगह नहीं बची है। इफ एवर यू वॉन्ट टू गिगल एंड शाउट। अब वो लड़की कहती है कि अगर आप कभी चिल्लाना चाहते हो बहुत जोर से और हंसना चाहते हो एंड कांट थिंक ऑफ वॉट टू डू इट, लेकिन आप सोच नहीं पा रहे हो कि आप कैसे हंसो और कैसे चिल्लाओगे, ठीक है, अबाउट जस्ट लुक इन द मिरर। आपको क्या करना है कि आप बस शीशे के सामने जाओ और देखो, एंड देन नो डाउट, बिना किसी डाउट के, यू विल सी हाउ फनी योर नोज स्टिक्स आउट। आप देखोगे ना जब खुद को शीशे में, तो आपको पता चलेगा आपकी जो नोज है ना, वो कितनी फनी है, जो कि आपके चेहरे से चिपक गई है। तो आप खुद ही इतना जोर से चिल्लाने लगोगे और आपको खूब हंसी आएगी देख के कि कितने अजीब तरीके से आपकी नोज निकली हुई है। तो बच्चों, ये थी नोजेस पोयम, ठीक है, जिसमें एक छोटी बच्ची थी जो शीशे में देखती है और उसको ऐसा फील होता है कि उसकी जो नाक है ना, वो बड़ी अजीब सी है और अजीब तरीके से बढ़ रही है, वो ठीक उसके चेहरे पे चिपक गई है। उसमें, उसकी नोज में दो छोटे होल्स हैं, ठीक है, दो छेद हैं जिसके जरिए हवा अंदर और बाहर आती जाती है। वो कहती है कि उसकी नाक उसके बालों के शुरुआत से लेके उसकी थोड़ी, उसकी चिन के एंड तक बिल्कुल ऐसे है नाक चिपकी हुई जैसे एक हैंडल हो, है ना, अब वहां पे और कोई जगह ही नहीं बची है। फिर वो कहती है कि अगर कभी किसी को हंसना या चिल्लाना हो ना, तो सभी को अंदर देखने की, मतलब शीशे के अंदर देखने की जरूरत है। शीशे के सामने जाओ, खुद को देखो, तब आपको पता चलेगा, आपको खुद ही हंसी आ जाएगी देखिए कि आपकी जो नाक है वो कितनी अजीब है। ओके, सो ये तो थी पोयम, ठीक है, नोजेस। अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। रीडिंग इज फन। इसका पहला है, व्हाई डज द पोएट फील दैट द नोज इज अ फनी थिंग। जो पोएट है, जो कवि है जिन्होंने पोयम लिखी है, उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि जो नोज है एक फनी थिंग, एक मजेदार चीज है? तो इसमें आप लिखोगे, द पोएट फील्स दैट द नोज इज अ फनी थिंग बिकॉज इट इज स्टक ऑन द फेस, क्योंकि ये हमारे फेस से चिपक गई है लाइक अ हैंडल, एक हैंडल की तरह, एंड इट हैज टू लिटिल होल्स, और इसके दो छेद हैं।
नेक्स्ट है, व्हाई इज अ नोज इम्पोर्टेंट फॉर यू? नोज आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? नोज इज इम्पोर्टेंट फॉर अस बिकॉज द टू लिटिल होल्स उसमें, क्योंकि हमारी नोज में जो दो छोटे छेद हैं हेल्प करते हैं किसमें, हमें सांस लेने में, हेल्प अस इन ब्रीथिंग। नेक्स्ट है, डज द चाइल्ड इन द पोयम लाइक हर नोज? क्या इस पोयम में जो चाइल्ड है, जो लड़की है, उसको अपनी नोज पसंद है? व्हाई डू यू थिंक सो? और अगर पसंद है तो उसको क्यों पसंद है? इसमें आप लिखोगे द चाइल्ड इन द पोयम डेफिनेटली लाइक्स हर नोज। इस पोयम में जो लड़की है उसे बिल्कुल अपनी नाक पसंद है, क्योंकि शी टेक्स इट एज द फनीएस्ट थिंग, क्योंकि उसने अपनी नाक को कैसा लिया है, फनीएस्ट, मजेदार, विच स्टिक्स आउट ऑन हर फेस, जो कि उसके फेस से चिपक गई है हैंडल की तरह। लेट्स स्टॉप। पहला है, डिस्क्राइब अ फ्यू फनी थिंग्स यू हैव सीन, डू दे मेक यू लाव? अब आपको कुछ ऐसी चीजों के, कुछ ऐसी फनी थिंग्स के बारे में डिस्क्राइब करना है जो आपने देखी हैं, जिनको देखकर आपको हंसी आई हो, आप हंसे हो। पीपल विद लॉन्ग एंड फ्लैट नोज, जैसे आप लिख सकते हो कि जिसकी लॉन्ग नोज है उसे देख के हमें हंसी आई, या फिर जिनकी फ्लैट नोज है। सम ड्रेसेस वॉर्न बाय पीपल ऑल्सो मेक मी लाव, कुछ लोगों की ड्रेसेस ऐसी होती है जिसे देखकर मुझे हंसी आ जाती है। तो इस तरीके से आप कुछ भी जो आपने देखा हो, जिसे देख के आपको हंसी आई हो, आप वो अपने तरफ से लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट डज फीचर्स मीन? फीचर्स का क्या मतलब होता है? लुक अप द डिक्शनरी, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीचर्स ऑफ पीपल वी कम अक्रॉस इन द वर्ल्ड, डिस्कस। ओके, सो इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर्स जो हम इंसान होते हैं ना, उनके डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर्स होते हैं, जैसे कि हमारी आईज हो गई है ना, चीक्स हो गए, हमारे हेयर हो गए, ठीक है, हमारी चिन हो गई, हमारी ईयर हो गए। तो इस तरीके से ये क्या हो गए, हमारे फीचर्स। तो इसमें आप लिखोगे पीपल विद बिग ब्राइट आईज, पीपल विद लॉन्ग शॉर्ट और फ्लैट नोज, पीपल विद रोजी चीक्स यानी जिसके रेड रेड चीक्स होते हैं, पिंक, सॉरी, पीपल विद राउंड एंड ब्रॉड फेसेस, जिनके राउंड और ब्रॉड फेसेस होते हैं, पीपल विद कर्ली सिल्की हेयर। अब आता है फन टाइम। लुक एट योर फ्रेंड्स फेस एंड डिस्क्राइब व्हाट यू सी। अब आपको अपने फ्रेंड का फेस देखना है और उसको डिस्क्राइब करना है। यूज वर्ड्स लाइक, जैसे आप बता सकते हो कि उसके फेस पे क्या लॉन्ग है, क्या राउंड है, क्या ओवल जैसा है, स्लैंटेड है, शार्प है, फ्लैट है, टू हेल्प यू। यू कैन यूज अदर वर्ड्स ऑल्सो, आप इनके अलावा कुछ और वर्ड्स भी यूज कर सकते हो। तो जैसे आप इसमें लिख सकते हो पहला कि माई फ्रेंड्स फेस इज राउंड, है ना, और या फिर आप लिख सकते हो ही हैज अ फ्लैट नोज। फ्लैट नोज लिख लो या शॉर्ट नोज लिख लो, आपकी मर्जी है। हिज आईज आर वेरी ब्राइट, या फिर ही हैज अ शार्प चिन। हिज ईयर्स आर लॉन्ग, उसके बालों के बारे में आप बता सकते हो, ठीक है। ओके, सो अब आता है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज योर फेवरेट फ्रूट? आपका सबसे फेवरेट फ्रूट कौन सा है? डिस्क्राइब इट इन 5 सेंटेंसेस। एप्पल है, मैंगो है, वाटरमेलन है, मस्कमेलन है, पपाया है, बनाना है, ठीक है, मैंगो है, कौन सा है आपका फेवरेट फ्रूट, आपको वो डिस्क्राइब करना है। तो जैसे आप मैंगो पे लिख सकते हो कि मैंगो इज माय फेवरेट फ्रूट, इट इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, ठीक है, हमारे इंडिया का नेशनल फ्रूट है मैंगो। इट इज अ समर फ्रूट, ये गर्मियों का फल है ना, गर्मियों में मिलता है हमें, समर में। मैंगोज आर स्वीट एंड जूसी, जो मैंगोज होते हैं वो स्वीट होते हैं और जूसी भी होते हैं। मैंगो इज द किंग ऑफ ऑल फ्रूट्स, जो मैंगो होता है वो सभी फलों का राजा होता है, किंग होता है। अब यहाँ पे जो आपको फ्रूट फेवरेट है आपका, उसी से रिलेटेड यहाँ आपको, आप यहाँ पर आपको ना कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे हाउ डज इट स्मेल, वो कैसे स्मेल करता है ना, कैसी खुशबू आती है उसमें, और हाउ डज इट, लोगों के दिखने में कैसा है, हाउ डज इट फील, आप उसको कैसे फील करते हो, कैसा लगता है, व्हेन यू बाइट इट व्हाट साउंड डज इट मेक, जब आप उसे बाइट करते हो तो आपको कैसा साउंड आता है, और उसका टेस्ट कैसा है। तो ये सारे सवाल हैं यहाँ पे, जैसे मैंने मैंगो का लिखा था, तो
तो इसका पहला था हाउ डज इट स्मेल, वो कैसे स्मेल करता है, बड़ा स्वीट स्मेल करता है मैंगो, है ना, तो आप लिखोगे इट हैज अ स्वीट स्मेल। नेक्स्ट है हाउ डज इट लुक, वो दिखने में कैसा है, एक तो ओवल शेप का होता है, थोड़ा राउंड शेप का होता है, तो आप इसमें लिखोगे इट लुक्स लाइक ओवल एंड राउंड शेप। हाउ डज इट फील, मैंगो इज वेरी फर्म टू टच, ठीक है। व्हेन यू बाइट इट व्हाट साउंड डज इट मेक, जब आप उसे बाइट करते हो तो कैसा साउंड आता है आपको वो लिखना है। नेक्स्ट है हाउ डज इट टेस्ट, मैंगो का टेस्ट कैसा है, बिल्कुल एकदम फ्रेश और स्वीट टेस्ट, मीठा मीठा। ओके सो नाउ अब है लेट्स ट्राई, इसका पहला है डू यू नो अ फिश ब्रीथ्स फ्रॉम इट्स गिल्स, क्या आपको पता है कि जो फिश होती है वो कैसे सांस लेती है, वो अपने गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती है। राइट टू सेंटेंसेस अबाउट अदर एनिमल्स विच कैन ब्रीथ अंडर वाटर, हमें किन्हीं दो और ऐसे एनिमल्स के नेम बताने हैं, उनके ऊपर हमें सेंटेंस बनाना है जो कि अंडर वाटर ब्रीथ कर सकते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हो कि क्रोकोडाइल्स एंड टर्टल्स आर वाटर एनिमल्स, ये वाटर एनिमल्स होते हैं और ये दे कैन ब्रीथ अंडर वाटर, ये अंडर वाटर ब्रीथ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको ना एक पैसेज दिया गया है, आपको उसे पंक्चुएट करना है। ये जो पैसेज है पूरा ये जस्ट ऐसे ही लिख दिया है, इसमें ना कोई फुल स्टॉप है ना कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, ठीक है, तो हमें उसे ठीक करके लिखना है। तो इसको आप ठीक करके कुछ इस तरीके से लिखोगे, यहाँ पे आप लगा दोगे अपोस्ट्रोफ, मदर के बाद कोमा, और जो मदर है वो हमारे इस पैसेज का पहला वर्ड है, तो पहले वर्ड के अकॉर्डिंग हमें जो पहला लेटर है वो कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। मदर के बाद कोमा, फादर के बाद जो आपको कोटेशन मार्क है वो क्लोज हो जाएगा, उसके बाद आएगा कोमा, फिर आएगा नीलम, नीलम का जो एन है वो कैपिटल आएगा, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, किसी का नाम है। सेड के बाद कॉमा आएगा, फिर उसके बाद आई कैपिटल आएगा और यहाँ पे कोटेशन मार्क आएगा, ठीक है। आई हैव गॉट अ फायर इंजन, इंजन के बाद क्या आएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क, आई अगेन कैपिटल आएगा, अपोस्ट्रोफ आई हैव, अब ये जो आई हैव है ना ये इस पूरे आई हैव का शॉर्ट फॉर्म है। गॉट अ फायर इंजन, इंजन के बाद क्या आएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क और कोटेशन, यहाँ पे क्वोटेशन मार्क जो है वो क्लोज हो जाएगा। व्हाट्स दिस, व्हाट्स दिस, अब व्हाट्स दिस में अगेन क्वोटेशन मार्क, व्हाट के बाद हमें यहाँ पे क्या लगाना है, अपोस्ट्रोफ एस, ठीक है, क्योंकि प्लूरल है उसके, प्लूरल को दर्शा रहा है। व्हाट्स दिस, व्हाट्स दिस, तो वो पूछ रही है कि वो क्या है, सवाल है ना, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा दोनों के आगे, व्हाट्स दिस, व्हाट्स दिस, और यहाँ पे जो क्वोटेशन मार्क है वो क्लोज हो जाएगा। फिर आएगा कॉल्ड मदर यानी कॉमा, फिर सम व्हाट कंफ्यूज्ड बाय द नॉइज, अब यहाँ पे आ जाएगा फुल, यहाँ पे फुल स्टॉप आने के बाद आई अगेन कैपिटल आएगा, अपोस्ट्रोफ आई हैव, यहाँ पे कोटेशन मार्क आएगा, गॉट अ फायर इंजन, इंजन के बाद आएगा कॉमा, मदर के बाद आएगा फुल स्टॉप, ठीक है। सी आएगा कैपिटल, कम एंड सी इट कोटेशन मार्क क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या कह रही है, मदर 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 फादर नीलम सेड, तो नीलम ने क्या कहा, मदर फादर आई हैव गॉट अ फायर इंजन, आई हैव गॉट अ फायर इंजन, मतलब वो बता रही है अपने मदर फादर को कि मुझे एक फायर इंजन मिला है। तो व्हाट्स दिस, व्हाट्स दिस, वो क्या है, वो क्या है, उसकी माँ ने कहा, कॉल्ड मदर समवट कंफ्यूज बाई द नॉइज, वो उसकी आवाज से थोड़ी मतलब कंफ्यूज हो जाती है। आई हैव गॉट अ फायर इंजन, मुझे फायर इंजन मिला, मदर कम एंड सी, आओ और देखो। नेक्स्ट है यहाँ पे यूजिंग अ रेड पेंसिल चूज एंड सर्कल द थिंग्स हूज स्मेल यू लाइक, नाउ विद अ ब्लू पेंसिल सर्कल द थिंग्स हुज स्मेल यू डू नॉट लाइक, मेक फाइव सेंटेंसेस लाइक दिस, आई लाइक डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ डैश, तो इस तरीके से आपको एक सेंटेंस बनाने हैं फाइव। जैसे पहला आप बना सकते हो कि आई लाइक द स्मेल ऑफ रोज, मुझे किसकी स्मेल पसंद है, गुलाब के फूल की, ठीक है, बिकॉज क्योंकि इट रिमाइंड्स मी, ये मुझे याद दिलाते हैं किसकी, ऑफ द ब्यूटी ऑफ नेचर, ठीक है। नेक्स्ट है आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ डर्टी शूज, मुझे
गंदे शूज की, डर्टी शूज की स्मेल पसंद नहीं है, बिकॉज क्योंकि दे रिमाइंड मी, क्योंकि ये मुझे याद दिलाते हैं किसकी, ऑफ डी के ड्रेड, सड़े हुए किसकी, चूहों की। नेक्स्ट है, आई लाइक द स्मेल ऑफ शैम्पू बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ द, मुझे शैम्पू की स्मेल पसंद है क्योंकि ये मुझे याद दिलाते हैं सेंट माई फादर यूजेस, जो मेरे फादर सेंट यूज करते हैं उसकी याद दिलाते हैं। नेक्स्ट है, आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ गार्बेज, मुझे कूड़े की स्मेल पसंद नहीं है बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ द, क्योंकि ये मुझे याद दिलाते हैं स्मेल ऑफ स्टेगनेंट वाटर ड्यूरिंग रेनी सीजन, बारिश के मौसम में जो पानी इकट्ठा हो जाता है ना, उससे जो स्मेल आती है मुझे उसकी याद दिलाते हैं। नेक्स्ट है, आई लाइक द स्मेल ऑफ अगरबत्ती बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ द मोगरा फ्लावर्स, मुझे अगरबत्ती की स्मेल पसंद है क्योंकि ये मुझे किसकी याद दिलाते हैं, मोगरा फ्लावर्स। नेक्स्ट है, लेट्स सिंग, व्हाट इज इट, टॉल ईयर्स, ट्विंकली नोज, टाइनी टेल एंड हॉप ही गोज, व्हाट इज ही, मतलब उसके बड़े बड़े कान हैं, उसकी जो नोज है बड़ी वो ट्विंकली है, उसकी टेल बड़ी टाइनी है, छोटी सी है, एंड हॉप, उछलता है, कूदता है वो, व्हाट इज ही, वो क्या है, कैन यू गैस, क्या आप गैस कर सकते हो, आई फीड हिम कैरेट्स, मैं उसे कैरेट्स खिलाता हूँ, एंड वॉटर क्रेस, हिज ईयर्स आर लॉन्ग, उसके जो कान है वो लंबे हैं, हिज टेल इज स्मॉल, उसकी जो टेल है, जो पूंछ है वो छोटी सी है, एंड ही डजंट मेक एनी नॉइज एट ऑल, वो बिल्कुल भी शोर नहीं करता है, टॉल ईयर्स, ट्विंकली नोज, टाइनी टेल एंड हॉप ही गोज, तो ये क्या हुआ, रैबिट। तो अब हमें यहाँ पे बोला है कि राइट थ्री पेयर्स ऑफ वर्ड्स दैट राइम विद ईच अदर, अब हमें इस पोयम में से कुछ राइम वर्ड्स निकालने हैं, ठीक है, तो ये क्या हो सकते हैं, जैसे टॉल, टॉल का क्या होगा, कॉल, ठीक है, और हम क्या बना सकते हैं, ईयर्स, ईयर्स से हम क्या बना सकते हैं, डियर्स, और टाइनी, शाइनी, टेल, रेल, नोज, रोज, हॉप, मॉप। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइबिंग टू वॉचिंग, थैंक यू।